अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं, आज हम उर्दू के हरूफ पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं उर्दू के हरूफ कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे देखो, पहला हरूफ कौन सा है? अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चीम, हाय, खाय, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौर, तय, जॉय, एन, गैन, फे, कॉफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी है, हमजा, छोटी है, बड़ी है। शाबाश बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलिफ से जीम तक। ठीक है, पहले देखेंगे हम यहाँ पे अलिफ से जीम तक कहाँ पे है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और हम सीखेंगे इनको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, शाबाश। शुरू करते हैं हम अलिफ से। पहला हरूफ कौन सा होता है? अलिफ। यहाँ पे देखो आप, ये क्या है? अलिफ। अलिफ से अंगूर। अलिफ से अंगूर। अब हम इस अलिफ को यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखो आप, ये डॉट्स दिए हैं, हम इसी के ऊपर से लिखेंगे ऐसे। शाबाश। इस हरूफ को हम अलिफ बोलते हैं। अब हम इस अलिफ को दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। शाबाश। इस हरूफ को हम अलिफ बोलते हैं। अलिफ से अंगूर। शाबाश। बे। इस हरूफ को हम बे बोलते हैं। बे के नीचे से एक नुक्ता होता है। कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता हम डॉट को बोलते हैं। जैसे आप डॉट्स डालते हो ना, उसी को हम उर्दू में नुक्ते बोलते हैं। बे के नीचे से एक नुक्ता होता है। बे से बिल्ली। यहाँ पे क्या है ये? बिल्ली। बे से बिल्ली, म्याऊ। शाबाश। अब हम इस बे को यहाँ पे लिखेंगे। शाबाश। नीचे से एक नुक्ता है। अब एक और बार लिखेंगे यहाँ पे, नीचे से डॉट एक। वेरी गुड। बे से बिल्ली। पे। इस हरूफ को हम पे बोलते हैं। पे के नीचे से तीन नुक्ते होते हैं। वन टू थ्री। एक दो तीन। कितने नुक्ते होते हैं? कितने डॉट्स होते हैं? तीन। पे से पतंग। पे से पतंग। आपकी बुक पे भी दिया है ना, उस पे भी है पतंग। पे से पतंग। अब इस पे को हम यहाँ पे लिखेंगे। शाबाश। एक और बार नीचे से तीन नुक्ते डालेंगे। पे से पतंग। शाबाश। ते। इस हरफ को हम ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ते। ते के ऊपर से दो नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? दो। टू डॉट्स होते हैं। वन टू। वेरी गुड। इस हरूफ को हम ते बोलते हैं। ते से तितली। ते से तितली। अब इस ते को हम यहाँ पे लिखेंगे। शाबाश। अब एक और बार ट्राई करेंगे। इस हरूफ को हम
ते बोलते हैं शाबाश ते से तितली. वेरी गुड. अरे यहाँ पे तो एक नया हरूफ आया. इस हरूफ को हम टे बोलते हैं. ये हरूफ कौन सा होता है? टे. टे के ऊपर से एक छोटा सा तय बना के होता है. देखो यहाँ पे छोटा तय बना के है ऊपर से. इस हरूफ को हम टे बोलते हैं. टे से टमाटर. आपने देखा है टमाटर को? शाबाश. इस हरूफ को हम क्या बोलते हैं? टे. टे से टमाटर. अब इस टे को हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे. शाबाश. अब ऊपर से छोटा सा तय बनाएंगे. गुड. यहाँ पे एक और बार लिखेंगे. शाबाश. तो इस हरूफ को हम क्या बोलते हैं? टे. टे से टमाटर. शाबाश. से. ये हरूफ कौन सा है? से. से के ऊपर से तीन नुक्ते होते हैं. एक दो तीन. तो से जो है, से के ऊपर से कितने डॉट्स होते हैं? थ्री डॉट्स होते हैं. वन टू थ्री. शाबाश. से समर. से समर. शाबाश. अब इस से को लिखेंगे हम यहाँ पे. से. से के ऊपर से यहाँ पे क्या है? तीन नुक्ते दिए गए हैं. अब हम एक और बार लिखेंगे. वन टू थ्री. हो गए थ्री डॉट्स. इस हरूफ को हम से बोलते हैं. से समर. से समर. शाबाश. अरे ये कौन सा हरूफ है नया? इस हरूफ को हम बोलते हैं जीम. क्या बोलते हैं? जीम. जीम के बीच में एक नुक्ता होता है. कितने नुक्ते होते हैं? एक. इस हरूफ को हम जीम बोलते हैं. जीम से जूता. क्या है जीम से? जूता. यहाँ पे क्या है ये? जूता. आप लोगों के पास जूता है? शाबाश. सबके पास है? हाँ. जीम से जूता. अब इस जीम को हम लिखेंगे. ये जीम कैसे होता है? देखो यहाँ पे. शाबाश. बीच में एक नुक्ता है. अब हम यहाँ पे एक और बार लिखेंगे. बीच में नुक्ता एक. शाबाश. इस हरूफ को हम क्या बोलते हैं? जीम. जीम से जूता. शाबाश. अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. हमने क्या पढ़ा? अलिफ. अलिफ से अंगूर. आ आ आ. बे. बे से बिल्ली. बे से बिल्ली. ब ब ब. म्याऊ. पे. पे से पतंग. प प प. ते. ते से तितली. त त त. टी. टे से टमाटर. ट ट ट. से. से समा. से समा. स स स. जीम. जीम से जूता. जीम से जूता. ज ज ज. शाबाश. बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा और हम इन हरूफ को कैसे लिखते हैं वो भी आपने सीखा होगा. तो आप लोग घर में आप ऐसे ही पढ़ोगे और इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे. ठीक है.